आज मैं बाहर गया था घूमने के लिए, फिर मेरा दिल करता था कि मैं जा केक ले लूँ। केक कटिंग करने से पहले बाहर मौसम एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो गया। ये देखें गाइस कितना अच्छा मौसम है, और देखिए यहाँ पर ये भी है जहाँ पर ग्रास ऊपर होते हैं। ग्रास ऊपर यहाँ पर आना तो मामूली बात है कोई, और सामने बहुत अच्छा बादल भी आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, एकदम छाँव छाँव। मुझे लगता है आज बारिश तो आएगी, और अब चलते हैं अंदर केक कटिंग करने के लिए जल्दी से। मैं बाहर गया था मौसम एंजॉय करने के लिए, ये अंदर क्या हो गया? ये देखे, ये किसने खा लिया? चले गाइस कोई बात नहीं, अब केक हम खाते हैं एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस मैंने यहाँ पर अपना होमवर्क लिख रहा था, और मुझे ना बाहर से ना कुछ आवाज है, तो चल के देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, क्या शोर शराबा है, कुछ गुस की आवाज आ रही है। चले बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। गाइस मुझे तो ये चले गए तो बाहर आ चुकी हूँ। ओ गाइस क्रेन, वो कितनी बड़ी है, कुछ देखें कितनी कैसी लग रही है। गाइस अब मुझे समझ आई, गाइस ये देखिए मिट्टी नीचे से उठा रहे हैं। वो देखिए गाइस मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखिए ये जो बड़े बड़े खड्डे थे, यही ना इनको ना ये इनको बनाने के लिए आए हैं। देखिए वहाँ से ना ये वो निकालेंगे, मिट्टी उठाएंगे, फिर वहाँ पर रखेंगे, उसके बाद ये खड्डों में डालेंगे, और फिर ये खड्डे सही हो जाएंगे, जिससे ट्रैफिक आना जाना भी ईजी हो जाएगा। ओ वो 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 अरे अरे भाई साहब क्या बात है, धुआं देखिए पीछे से कैसे निकल रहा है। वो उस खड्डे में डाल रहे हैं मिट्टी पहले। ओके देखिए ना कितनी बड़ी है, कैसा लगता है। गाइस मुझे तो इसकी शक्ल को देखकर ही गाइस बड़ा बहुत ज्यादा डर लग रहा है। देखिए ना यार कितनी बड़ी है, ये सोचे अगर मैं यहाँ पर ठहरा हुआ और उनको अंकल जी को पता ना हुआ, और यूं भगा करे, और गाइस ये देखें ये पहले ना ये सामने वाला खड्डा बनाएंगे। ओ वो वो, वो नहीं नहीं गाइस मुझे लग रहा है पहले वो वाला खड्डा बनाएंगे फिर ये, नहीं उसमें जरा सी मिट्टी डाली और यहाँ पर आ गए। वो भाई तभी हो गया ये ना भाई, कसम से भाई शरीर काम पड़ा था यार। देखिए यहाँ से यूं खुद ये नीचे डालेंगे और उठाएंगे, वो देखेंगे तो दो कैसे नीम के केन पड़े हैं, शायद नीचे से काम देख नीचे से देखे यार। वो देखिए अंकल जी बैठे हैं, हेलो भैया। हेलो भाई सौ ये कसम से भाई इसका एक भाई नहीं। हाँ 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 सही है सही है। अरे ब्रेक यार, यार ब्रेक नाम की भी चीज होती है भाई साहब, कितना शोर है भाई, धुआं देखिए। गाइस यहाँ पर ना शोर बहुत ज्यादा था, इसी वजह से मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर दूं यहाँ पर। गाइस अब मैं आपको बता दूँ कि मेन यहाँ पर चीज़ थी क्या, इन ये मतलब क्रेन क्यों आई थी यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ना टाउन वालों ने इन क्रेन को भेजा था, इस क्रेन को, और फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा खड्डे हुए हैं पूरे टाउन में, सब जाकर ना ठीक कर दो। तो ये लोग आ गए और यहाँ पर अब ये सारे खड्डे ठीक कर रहे हैं, ताकि ट्रैफिक आसानी से गुजर सके, क्योंकि ये खड्डे बिल्कुल पूरे हैं ना, नदी की तरह बहते जा रहे थे नीचे। गाइस यहाँ पर मैं पिक्चर बनाने के लिए ना एक्शन मार रहा था, और यहाँ पर मुझे साथ साथ डर भी लग रहा था कि वो भैया यार मेरे ऊपर क्रेन ना चढ़ा दें, और साथ ठहरे हुए भैया कह रहे थे कि ओ भाई साइड पे हो जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई मैं पिक्चर बना के साइड पे हूँगा। गाइस अब ट्रेन तो जा रही है, लेकिन हाँ अच्छा अभी जा रही थी, अभी वो जो सामने वाला एक गड्ढा था ना, अभी वो उसको बना रहे हैं यहाँ पर।
अंकल ने मुझे अंदर भेज दिया ताकि मुझे कोई चोट वोट ना लग जाए। यहाँ पर मैं अंदर से व्लॉग बना रहा था और यहाँ पर एक भाई आए क्रेन वाले को पानी देने के लिए और वो मुझे घूर घूर के देख रहे थे। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों मुझे सब घूर घूर के देखते हैं। फिर मुझे याद आया, ओ भाई मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। खैर कोई नहीं, मैं भी एक दिन बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा, फिर सब लोग मेरे से सेल्फीज लेने आएंगे। गाइस अब क्रेन ने तो अपना काम कर लिया और मुझे भी अंदर जाना अपना काम करने के लिए। और बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है उसके धुएं से। गाइस गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और धूप भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए चलते हैं अंदर क्योंकि मुझे भी तो अपना काम निपटाना है ना। अगर मैंने अपना काम ना किया तो फिर, और अगर मैंने भी अपना होमवर्क नहीं किया तो आपको पता ही है ना टीचर से। गाइस अभी रेस्ट करके मैं बाहर आई हूँ तो मैंने देखा गाइस रात हो चुकी है और रेस्ट मैंने सब कुछ कर लिया है। और ये देखिए गाइस यहाँ पर ये मिट्टी अभी भी ऐसी ही पड़ी हुई है, शायद सुबह आके ये इस मिट्टी को लेवल करेंगे। और गाइस अभी इस ब्लॉग के लिए इतना काफ़ी, उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलूंगा आपसे एक और न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।